लगा वीडियो का शुरुआत, मज़ा आया होगा, थोड़ी सी स्माइल आई होगी फेस पे। आई नो मेरा मोटो ये था ये वीडियो की क्लिप स्टार्टिंग में लेने का कि आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखें। रीज़न क्यों है दोस्तों, क्योंकि हम जस्ट लॉकडाउन में अभी निकल रहे हैं, पिछले एक महीने के ऊपर से एवरीबडी सब अपने अपने घरों में बंद हैं, बट हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं बिजनेस बंद है, काम बंद है, जॉब नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट माई पॉइंट ऑफ थियर इज कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जिसकी पॉजिटिविटी पे खुश होना या स्माइल करना या उसको जी लेना हम नहीं कर रहे हैं। ये मौका आपको शायद वापस नहीं मिलने वाला है। आप चाहेंगे कि नहीं, भगवान ना करे ऐसी कोई मुसीबत वापस आए कि हमें इतना टाइम घर में बैठना पड़े, आप ये प्रार्थना कर रहे होंगे, राइट? बट इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचिए दोस्तों, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जिस छुट्टियों के लिए, जिस वेकेशंस और हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए आप लाखों का खर्चा या हजारों का खर्चा करके फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहे थे, उसी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मिल रहा है बिना खर्चे के, बिना किसी पैसों के, अपने ही घर में एंजॉय कर रहे हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने माता पिता और बुजुर्ग लोगों के साथ, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड्स के साथ। जो वर्किंग लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड को टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, जो हस्बैंड्स बिजी रहते हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स में अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को टाइम दे पा रहे हैं, अपने माता पिताओं को टाइम दे पा रहे हो आप लोग। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, यू हैव टू एंजॉय, इसे जी लेना है, इसे खुश होना है। हमें नाराज या डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आई नो फाइनेंशियल लॉसेस के चलते बहुत तकलीफें हो रही होंगी कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम आज में जीना छोड़ दें। हमें आज में जीना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि हम इसमें क्या क्या नया सीख रहे हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम दे रहे हो, आप डिजिटलाइज हो रहे हो, आप हर एक चीज में डिजिटल मीडिया का या सोशल मीडिया का यूज करना सीख रहे हो, आप गिव एंड टेक या सोशल रिलेशनशिप में आ रहे हो, लोगों को कितना बांट रहे हो, लोगों से कितना रिसीव कर रहे हो, प्यार की बात करें, हेल्प या सपोर्ट की बात करें तो उस पर भी आप कितना पॉजिटिव चल रहे हो इन मामलों में। अगर मैं बात करूं कि आप अगर कुछ दोस्तों से जिनसे डिस्कनेक्ट हो चुके थे, कुछ फैमिली मेंबर्स जिससे डिस्कनेक्ट हो चुके थे, आप उसके साथ वापस रिकनेक्ट कर पा रहे हो। अगर मैं बात करूं कि देयर आर थ्री मेजर एस्पेक्ट्स जिस पे आपको अभी एक्चुअली फोकस करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस। यस दोस्तों, स्पिरिचुअल वेलनेस, मेंटल वेलनेस और फिजिकल वेलनेस। स्पिरिचुअल जहां पे आप आध्यात्मिक या पूजा पाठ या भगवान के कार्यों में अपना टाइम दे पाओगे, आप मेंटल पे पीस या फोकस दे पाओगे, आप कंसंट्रेट कर पाओगे, मेडिटेशन एक्टिविटीज करोगे, अपने माइंड को स्ट्रेस बस्टर्स से रिलैक्स कर पाओगे, और फिजिकल जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हो, जो 2400 घंटे आपकी बॉडी मशीन की तरह काम करती थी उसको आप रिलैक्स मोड पे लेके चले गए हो। और अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल वर्ल्ड में, हम ओवरऑल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो पोल्यूशन लेवल कितना घटा है दोस्तों। आप न्यूज़ पे आए दिन इस चीज़ को सुन रहे होंगे कि पोल्यूशन लेवल इज गोइंग डाउन, जीरो जा रहा है। हम नेचुरल एयर ब्रीथ करने के लिए वापस, फ्रेश एयर ब्रीथ करने के लिए वापस फ्री हो रहे हैं डे बाई डे। यस मे बी शायद ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, बट हम इसके पॉजिटिव साइड्स को ना भूलें, हम इस पे प्रोडक्टिविटी करें कि हम अपने बिजनेस को और डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, ताकि अगर भगवान ना करे ऐसी नौबत आए तो आप बिजनेस को वापस अपने घर से कैसे ऑपरेट कर सकते हो फ्रॉम द वर्क फ्रॉम होम टेक्निक। अगर मैं बात करूं कि आप यही क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज को शेयर करके उनको अपने कड़वे अनुभव से कुछ बताएं, कुछ सिखाएं, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। हम जिस स्कूल्स की बात कर रहे थे उसी स्कूल्स को ऑनलाइन लेके चले गए हैं, जहाँ पे मोबाइल्स पहले अलाउड नहीं थे, अब उसी मोबाइल के जरिए स्कूल चल रही है दोस्तों, है ना। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि हम सारी चीजें घर पे बैठे भी कर सकते हैं। लेडीज जो मेड्स के बिना या सर्वेंट्स के बिना काम नहीं कर पा रहे थे, खुद पे वापस काम करने पे आ गए हैं। जेंट्स ने जिन्होंने कभी कुकिंग में हाथ नहीं डाला था, वो कुकिंग पे एक्सपर्टीज होने लगे हैं। वे भी शायद आप यूट्यूब या बहुत सारे गैजेट्स की मदद ले रहे हो, बट आप कुछ नया सीख रहे हो, डाइवर्सिफाई हो रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो अपने आप को। सो स्टार्ट डूइंग दैट, एंजॉय द मोमेंट। जो क्लिप में आपने पहले देखा उसमें भी वही था कि वो बच्चा डिसअपॉइंट नहीं हुआ, या वो जिनकी नौकरी चली गई है वो डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। आगे भी वीडियो की क्लिप आने वाली है,
उस पर भी आप ज़रूर गौर करें, वो कैसा है, क्या लगा, कैसा लगा आपको। यही कहना चाहूँगी अंत में दोस्तों कि हर एक चीज़ के सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स पे कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, इफ़ेक्ट्स पे नहीं। हम इफ़ेक्ट्स की बात करें जो आज में हम जी रहे हैं, हम उस पर कॉन्सनट्रेट करें दोस्तों। यही मैं कहना चाहूँगी आपसे। वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट्स। आपको वीडियो कैसा लगा है और आने वाले मेरे अगले वीडियोज को भी जरूर लाइक और शेयर करिए। दिस इज रोशनी पारेख वंस अगेन सेइंग बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।